नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश में कोरोना से ग्रसित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के उद्देश्य से जनहित याचिका के तहत अहम फैसला लिया गया था, जिसमें प्रदेश के जिलों के सीएमएचओ द्वारा जांच एजेंसियों से इंजेक्शन लेकर मरीजों को उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन अभी इंदौर में सीएमएचओ का कहना है कि आदेश नहीं आए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रामबाण दवा मानी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दर्जनों आरोपियों के साथ सैकड़ों की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए थे और इन्हीं इंजेक्शन को लेकर इंदौर के अधिवक्ता द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से इंजेक्शनों को मरीजों को उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की मांग की गई थी, जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा जिले के सभी सीएमएचओ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बाद इंजेक्शन को जांच एजेंसियों से लेने के बाद इंजेक्शन सही तरह से लैब में नकली और असली की पहचान करने के उपरांत मरीजों को इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रदेश में मरीजों को राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन इंदौर के सीएमएचओ का कहना है कि अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं आया है, आदेश आने के बाद ही पूरा पालन करते हुए इंजेक्शन को जांच एजेंसी से लिया जाएगा और शहर के सरकारी हॉस्पिटलों जिनमें एमआरटीवी, एमटीएच, एमवाई कैंसर हॉस्पिटल सहित अन्य हॉस्पिटलों में मरीजों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जी सर, वो हाईकोर्ट के आदेश हुए थे जो इंजेक्शन हैंड ओवर करने थे, तो क्या प्रोसेस है? नहीं, अभी आए नहीं, आदेश जैसे यहाँ पे मिल जाएगा हमको, है ना, उसके बाद देख लेते जैसे भी जहाँ जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह आए हैं या कहीं पर उन्होंने जब्त किए हैं, जब्त के बाद अगर मिल जाते हैं इंजेक्शन तो उनको सप्लाई कर देंगे अस्पताल में। कौन कौन सा हॉस्पिटल में? हमारी एमटीएच है, एमवाई अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी है, एमआरटीवी। सर, इसकी व्यवस्थाएँ कैसे रहेगी, प्रोटोकॉल? वो तो जो भी रहेगी गाइडलाइन के हिसाब से ही काम किया जाएगा। हमारे आरजेडी सर वगैरह, ढींसा वगैरह सब कुछ कमेटी रहेगी, जो कमेटी बोले वो करना है। सर, आपका डॉक्टर बी एस एक्सर से इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।